और चलिए अब खबरों में आगे पढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ यहां मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी काम समयबद्ध तरीके से पूरे होने चाहिए थे, साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी बनी रहे इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों का सहयोग देने के लिए उनका धन्यवाद अदा किया। चार दिवसीय बजट सत्र की कार्रवाई 22 घंटे 43 मिनट तक चली। सत्र के दौरान विधानसभा में 573 प्रश्न पूछे गए थे। रनिंग कर्व था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोगों ने बोला। मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारे विधायकों ने, सीनियर और जो यंगस्टर्स हैं उनको देखकर भी बहुत खुशी हुई कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था विधायकों का। तो उनसे वो भी जो बोल रहे थे उससे भी सीखने को मिला, देखने को मिला। तो इट वॉज़ अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। और आगे चलकर हर आदमी सीखता है, हर रोज़ कुछ नया चीज़ सीखता, कोशिश करता है कि हम सदन को और सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से और सवाल लें और लोगों को पार्टिसिपेशन करवाएं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। चार दिन चले बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विषय रखे गए। खासकर अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने इस बजट सत्र में 65,557 करोड़ का अपना बजट पास किया। इसके साथ साथ ये तीन विधेयक भी राज्य सरकार ने पास किए। सदन के अंदर विपक्ष ने भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। चार धाम यात्रा हो, गैरसैंण हो, इसके अलावा बिजली की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष ने सदन के भीतर उठाए। खास अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। खासकर ऐसे सवाल जो विभागवार लगाए गए थे, विधानसभा के अंदर विधायकों ने मंत्री से जो सवाल पूछे थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर बोला। और एक मुख्य आरोप ये भी विपक्ष ने सरकार पर लगाया कि सरकार के जो मंत्री हैं वो पूर्ण रूप से होमवर्क के साथ सदन के भीतर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सदन के भीतर ये देखा गया है कि जब विधायक ने अपने सवाल पूछे हैं तो उन्हें अपने सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। क्योंकि सदन की कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि सदन के भीतर तमाम जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं और पीठ के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि सरकार उनके सवालों का स्पष्ट जवाब दे ताकि उनका समाधान हो सके। लेकिन विधानसभा सत्र की कार्रवाई को अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने अपना 65,557 करोड़ का बजट जरूर पास किया, उसके अलावा कुछ विधेयक पास किए, लेकिन सदन की कार्रवाई में विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि मंत्रियों के पूरे होमवर्क की वजह से होमवर्क पूरा ना होने की वजह से कई तरह की समस्याएं सामने हुई और उनका जो स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देहरादून से कृष्णा लॉरेंस के साथ पंकज राणा। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, मगर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सदन के अंदर उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। चाहे प्रश्नकाल हो चाहे कार्य स्थगन हो, दोनों ही माध्यमों से हमने आम जन की आवाज को सदन में बुलंद करने का काम किया। और जिस तरीके से सरकार का रुख रहा, सरकार किसी भी बात का कोई जवाब देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई। प्रश्नकाल में मंत्रीगण जो है वो तैयारी करके नहीं आए ये दिखाई दिया, और जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर सरकार संवेदनशील नहीं है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और जनता उसे बहुत पीड़ित थी, और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हमने 310 के अंतर्गत लाए और 310 को नियम 58 में माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने ग्रह किया और उसके पश्चात इसमें विस्तृत चर्चा हुई और संपूर्ण पूरे आंकड़ों के साथ हमने सारी बातों को प्रस्तुत किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार गंभीर नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।